हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं इधर होली के पहले से 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी कि मुझे समय भी नहीं मिला। क्योंकि आप लोग सभी को ये जानते होंगे कि होली में कितना काम हो जाता है घर में, और मेरा कुछ मोबाइल भी गड़बड़ हो गया था, तो मैंने अपना मोबाइल जो है दुकान पर दे दिया था बनने के लिए। तो बस आज मुझे फुर्सत मिली है, समय मिला है, तो मैंने सोचा चलिए आज अपने मॉर्निंग से अपना ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ब्लॉग के साथ साथ अपने सॉन्ग भी डाला करती हूँ, तो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा, तो फिर मैं आगे भी मतलब ये सॉन्ग डाला करूँगी। तो अभी मैंने सुबह सबके लिए खाना बनाया, सब लोगों को बना खिला दिया, झाड़ू पोछा किया, और जैसे कि आज सुबह बहुत जल्दी थी तो मैंने कपड़े चेंज करके खाना बना दिया था, नहीं तो मैं सुबह मॉर्निंग में नहा करके ही खाना बनाती हूँ। तो बस मुझे अभी अपने बाल को जो है वॉश करना है, क्योंकि बाल बहुत गंदे हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से अभी थोड़ा सा सुबह में बात कर लेती हूँ मॉर्निंग में, और फिर क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैंने शाम को योगा क्लास ज्वाइन किया है, तो मैं शाम को वहाँ चली जाती हूँ। तो बस मैंने सोचा चलिए आप लोगों से थोड़ा देर बात कर लेती हूँ। तो ठीक है, मैं अभी नहा वहा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, तो बस अभी ये देखिए मैंने अभी कुछ सामान मंगाया है और मैं अभी बस चाय बना रही हूँ। ये देखिए ये मनपसंद नमकीन है, ये देखिए, और ये छोला वाला मसाला है जो कि मुझे बनाना है, और ये सूजी, ये देखिए, ये थोड़ी सी मूंगफली मंगाई है, क्योंकि जब पोहा बनाते हैं ना तो उसमें मूंगफली, क्योंकि आजकल हम मटर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बस मूंगफली मंगा के रख लेते हैं, तो पोहा वोहा में डाल देते हैं, तो मैंने बस अभी ये मंगाई है। और ये देखिए ये छोला मसाला, तो मैं यही मसाला डाल के ही छोला बनाती हूँ, और बस इतना ही सामान मंगाया है। और अभी मैंने आपको दिखाया कि मैं अभी चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय पीने का टाइम है, कभी दूध आया है तो बस उसी को चाय बना रही हूँ। तो ठीक है, आप लोगों से फिर मिलती हूँ, बाय बाय। ये देखिए ये मैं कद्दू की सब्ज़ी, शाम के समय ये कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आप लोग को कैसा लग रहा है? तो बस मैंने शाम के समय ये एक कद्दू आया था, तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, सिर्फ मेथी डाली है, मिर्चा डाला है, और करी पत्ता होता है उसको डाला है, और पक जाने पे इसमें थोड़ा सा जो है अमचूर डाला है। तो बस, और मैं आटा सान के रख दी हूँ, तो बस इस समय अभी रोटी बनानी है। तो मैंने कहा चलिए अभी आप लोगों से रात में बात कर लेती हूँ और आपको अपना खाना भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इतने समय मेरे यहाँ और कुछ नहीं बनता, सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनती है। तो ठीक है, रखते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, बाय बाय। हेलो, गुड इवनिंग, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस आज मुझे जो है दोपहर में मुझे नींद लगी थी तो मैं सो गई थी, और मैंने दोपहर में कोई भी काम नहीं किया, और काफ़ी दिन हो गया आप लोगों से बात किए और मुझे जो है समय भी नहीं मिला, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी त्यौहार में, आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है। तो बस आज मैं, मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, हल्का सा उस समय फीवर भी आ गया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैंने कोई कोई वीडियो बनाया है, और अभी बीच में
एक दिन काफ़ी बारिश हुई थी और बर्फ़ भी पड़े थे। हम लोगों के तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़े हैं, पहले तो छोटे छोटे पड़े हैं, उसके बाद अचानक तो बर्फ़ की ही बारिश होने लगी। हम तो बिल्कुल डर गए थे, सच में बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ बहुत नुकसान हुआ। मेरी गाड़ी भी उसका कांच फूट गया और ऊपर की टंकी है वो फूट गई, काफ़ी नुकसान भी हुआ हमारे घर। और आज भी मौसम बहुत ख़राब है, धूप नहीं निकला है, बदली किया है, तो देखिए हो सकता है आज भी शायद बारिश हो जाए। तो बस मैं दोपहर में अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर हम औरतें काम करते रहो तो सारा दिन करते ही रहो, अगर थोड़ा सा लेट जाओ तो बस वही सुकून है, नहीं तो फिर करते ही रहो। तो बस अभी मैंने शाम को ही बर्तन मांजा है और अभी मुझे चना बनाना था, मैंने चना बनाया, क्योंकि मेरे यहाँ चने और गेहूं की रोटी खाई जाती है। तो बस मेरे हस्बैंड वही 2-3 दिन से मुझसे रोज़ कहते थे बना दो बना दो, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, क्या करूं, कहने को तो कहता है लेकिन जो करता है उसको समझ में आता है। तो मैंने आज जो है बनाया है, अभी बना करके अभी रखी हूँ, उसको भी चक्की में देना है। तो बस मैं सोच चलिए आज इवनिंग से अपना ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ और आप लोगों से कुछ देर बात भी कर लेती हूँ। तो ठीक है, अभी मैं चाय भी नहीं पी हूँ, बस मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं अभी एक कप चाय बनाऊँगी। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने 2-3 सॉन्ग भी डाले थे, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो मैं आगे भी डाला करूँगी, कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी हॉबी है सॉन्ग, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है और मैं म्यूज़िक भी ली हूँ आप लोगों को, जैसा कि पिछली वीडियो में बताई भी थी। तो ठीक है, अभी रखते हैं आप लोगों से, फिर बाद में मिलते हैं, अभी चाय बनाना है। बाय बाय।